Hey guys, welcome back to my channel. कैसे आप सभी लोग? So finally मैं कतर से यहाँ इंडिया लैंड हो चुका हूँ और मैं अपने होम टाउन सिलीगुड़ी में हूँ. और आज वीकेंड है, संडे है, तो सोचा मैं अपने बचपन के दोस्त, ये देखिए मेरे बचपन के दोस्त, हाँ भाई ये है अंकन मंडल, मेरे बचपन का दोस्त, तो इसके साथ मैं घूमने आया हूँ. बेसिकली यही मुझे लेकर आया है. और जो मैं आज यहाँ घूमने आया हूँ, ये जगह का नाम है कोरोनेशन ब्रिज. ये देखिए ये ब्रिज कुछ इस तरह का दिखता है. सो बेसिकली ये जो कोरोनेशन ब्रिज है, ये आपका सिलीगुड़ी सेवोक में पड़ता है. और ये जो ब्रिज है, इसकी खासियत ये है कि ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, तो ऐसा मेरा दोस्त कहता है. ये कह रहा था कुछ क्या है इसके बारे में, इस ब्रिज के बारे में? अच्छा, अभी हम लोग सेवोक में हैं और ये कोरोनेशन ब्रिज है. ये ब्रिटिशर्स ने बनवाया था. तो इसके पीछे का कहानी ये है कि इसका नाम तो कोरोनेशन ब्रिज रखा गया, तो कहानी ये बताया जाता है कि जब क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की क्वीन बनी थी, उस टाइम पे उनके सम्मान में ब्रिटिशर्स लोगों ने जब इस ब्रिज को बनवाया था, तो इस ब्रिज का नाम कोरोनेशन ब्रिज रखा उन्होंने. और कोरोनेशन ब्रिज के साथ ये ब्रिज एक्चुअली बागपुल के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे, क्योंकि इस ब्रिज में जब हम लोग एंटर करते हैं तो दोनों साइड में दो टाइगर बना हुआ है. तो इस वजह से इसको बागपुल भी कहा जाता है. बहुत ही सुंदर ब्रिज है जगह, आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए. सो गाइस, मैं आपको ब्रिज का एक बार ओवरव्यू करवाता हूँ आपको. मैं तो थोड़ा सा देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इस एक ही वीडियो में सारी चीज़ें को कवर करने का मैं कोशिश करता हूँ. सो फॉलो मी एंड लेट्स वॉच द वीडियो. सो गाइस, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये जो नदी है, इस नदी का नाम है तिस्ता नदी. और इस नदी में कुछ एक हादसा हुआ था कुछ साल पहले, जो ये मेरा फ्रेंड जो है, जो मेरे साथ आया है अंकन, ये मुझे बताएगा. सो चलो इन्हीं की जुबान से सुनते हैं कि क्या हुआ था. हाँ भाई बताओ, भाई क्या हुआ था यहाँ पर कुछ साल पहले? हाय एवरीबॉडी, असल में ये जो रिवर आप देख रहे हैं तिस्ता नदी, इसको हमारे नॉर्थ बंगाल का गंगा रिवर भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमारा मेन रिवर है नॉर्थ बंगाल का. तो अभी आपने थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा होगा कोरोनेशन ब्रिज, तो वो इस तिस्ता रिवर के ऊपर ही बना हुआ है. तो इस रिवर को मतलब बेस करके काफ़ी कुछ हादसा पास्ट में हुआ है,
तो अभी 2-3 साल पहले का ही बात है, एक इनोवा गाड़ी जो पहाड़ से इस नदी में गिर गया था, राजस्थान से कुछ टूरिस्ट को वो लेके गैंगटॉक जा रहा था गाड़ी। तो गिरने के बाद मतलब कि ये एक मिस्ट्री है, मतलब गाड़ी नहीं मिला, सिर्फ गाड़ी का पीछे का एक पार्ट, सिर्फ वो डिक्की का एक पार्ट ही मिला था, वो भी 3-4 दिन बाद। और उसमें 3 लोग थे, उसमें एक ही डेड बॉडी मिला था, वो भी कम से कम 40 किलोमीटर दूर एक बैरेज बना हुआ है इस नदी पे, उस जगह का नाम है गाजल डोबा, वहां पे मिला था। और मतलब बाकी लोग, बाकी जो और भी पैसेंजर थे और ड्राइवर, किसी का भी डेड बॉडी कुछ भी नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। तो मतलब पता ही नहीं है, बहुत बड़ा मिस्ट्री है। मतलब काफी छानबीन भी हुआ होगा लेकिन कहीं पे कुछ नहीं मिला। तो इसका मतलब इसका जो इस नदी का जो ये डेप्थ, इसका मतलब बहुत गहरा है इसका मतलब। पर ऐसे देख के तो लग नहीं रहा है कि इतना गहरा है, लेकिन जैसे ये मेरे फ्रेंड कह रहे हैं कि ये पीछे की तरफ जो है, ये हादसा पीछे की तरफ हुआ था, जहाँ पर ये जो जो ब्रिज जहाँ से हम होकर आए थे, जो बागपुल बोलते हैं, जो कोरोनेशन ब्रिज, उसके उसी के आसपास है शायद, है ना? हाँ, उसी के आसपास। मेन चीज क्या है, जो पहाड़ी नदी होते हैं ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टाइप का नदी होते हैं, मतलब गहराई हर जगह सेम होता नहीं है, कहीं कम कहीं ज्यादा, मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। और जो कोरोनेशन ब्रिज आपने थोड़ी देर पहले देखा था, वो एक सुसाइडल पॉइंट भी है, लोगों को अगर सुसाइड करना होता है तो वहाँ पे आके जंप मार देते हैं। हाँ, तो काफी वक्त ऐसा होता है कि उनका डेड बॉडी नहीं मिलता है। तो ये कुछ कहानी है जो इस रिवर से रिलेटेड, एक्चुअली कहानी नहीं है, रियलिटी है, सच्चाई है जो होता है। तो बस यही है, थोड़ा मजा ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और जैसे कि मेरे दोस्त ने बोला, जैसे ये कोरोनेशन ब्रिज है वहाँ, वो एक सुसाइडल पॉइंट भी माना जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि भाई अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, तो भाई प्यार करो, लेकिन यार एक बार अपने माँ बाप के बारे में भी सोचो यार, किसी के लिए जान मत दो यार। जान जो है भगवान क्या है, काफी मतलब बोलते ना, पिछले जन्म में आप क्या थे, हजारों कुछ कन्वर्ट होते होते जब, तब जाके हमें कुछ अच्छा कर्म करते, तब जाके हमें इंसान का बोलते ना, इंसानी तौर पे हमें जन्म दिया जाता है। तो यार किसी के लिए आप सुसाइड तो मत करो यार, किसी के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी स्ट्रगल हो, कितना भी कष्ट हो, दुख हो, बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, माँ बाप ने घर से गाली दे दिया, डांट दिया, या फिर आपको नौकरी से परेशान है, या कुछ भी हो यार, एटलीस्ट कुछ भी हो जाए, लेकिन सुसाइड तो मत करो यार। वो बेसिक ये जो कोरोनेशन ब्रिज जैसा कहते कि सुसाइडल पॉइंट है, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और एटलीस्ट उनको भी बताइए कि यार ये यहाँ आओ, घूमो फिरो, ये एरिया बहुत, नेचर का मजा उठाओ, इतना अच्छा जगह है यार, इतना अच्छा व्यू है, कोई ऐसी सुंदर जगह में क्यों मतलब हादसा क्रिएट करके इसको मिस्ट्री या लोगों तक मतलब एक गलत वो क्या बोलते हैं इम्पैक्ट देना चाहते हो, देना है तो कुछ अच्छा चीज बताओ। तो मेरा यही उद्देश्य है। चलते हैं, अभी और डिस्कवर करना बाकी है, अभी थोड़ा और आगे चलते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो हमें उस तरफ थोड़ा और आगे चल के देखते हैं क्या है। तो लेट्स गो एंड वॉच।
गाइस बागपुल से घूम के आने के बाद ये आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं ये है तिस्ता बैरेज। काजल डोबा, ये जो लोकेशन है, ये एरिया है, ये काजल डोबा में पड़ता है और ये है तिस्ता बैरेज। तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या है। सो गाइज यहाँ पर बोटिंग स्पॉट भी है, ये अब देखिए बचपन की यादें ताजा कर देने वाली चीजें। चलते हैं, पूछते हैं कि क्या प्राइस है, कितना रेट है। দাদা কত করে? দাদা কত করে? হাফ রাউন্ড 100 টাকা, ফুল রাউন্ড 200 টাকা। হাফ রাউন্ড 100 টাকা, ফুল রাউন্ড 200 টাকা। আর কতজন হলে ছাড়বেন? 5 জন, 6 জন, 7 জন। 5 জন, 2 জন হলেও যাবে, তার মানে 200 টাকা হলেই চলে যাবেন। হাফ রাউন্ড কতটা? হাফ রাউন্ড 1.5 কিলোমিটার, ফুল রাউন্ড 3 কিলোমিটার। बोलते रहे कि 100 रुपया में हाफ राउंड और फुल राउंड जो है 200 रुपया, 1.5 किलोमीटर घुमाएगा आगे तक, वो पीछे 1.5 किलोमीटर ले जाएगा, उसका 100 रुपया। और फुल राउंड अगर घुमाया तो जो कि 3 किलोमीटर के आसपास है, वो 200 रुपया चार्ज कर रहे हैं। तो लगभग 5 लोग हुआ तो लेके जाएंगे, या 2 लोग भी हुआ तो भी लेके जाएंगे कह रहे हैं। काजल डोबा बोटिंग कैंप। Thank you.